वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। क्यों हंस रहे हो? माइक चेक करना ज़रूरी होता है, कई बार आवाज़ ही नहीं आती। तो इस टॉपिक में क्या है इसको समझिए। जैसे कि सामने आपके मिरर लगा हुआ है और आप मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हैं। आपकी इमेज मिरर के बैक साइड, सही से कहूँ तो मिरर के अंदर बन रही है, और जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी इमेज भी मूव करेगी। तो ये रिलेशन फाइंड करना कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इमेज किस तरीके से मूव करता है, एक कंडीशन ही हो गई। अब इस कंडीशन में दो कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन होती है कि आप मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं और आप मिरर के पैरेलल मूव कर रहे हैं। ये दो अलग अलग कंडीशन है। मतलब मैं मिरर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ तो ये हो गया मिरर के परपेंडिकुलर मूव करना, और मैं सुपरमैन की तरह ऊपर उड़ गया तो क्या हो गया, ये मिरर के पैरेलल मूव करना। और तीसरा काम ये है कि मैं मिरर की तरफ जा रहा हूँ, मिरर उधर भाग रहा है या मिरर इधर चला आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी मेरे को पढ़ना है ना। ध्यान देना, इजी है, बस थोड़ा समझने वाली चीज़ है। तो पहली कंडीशन ले लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू मिरर। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू मिरर। ध्यान दीजिए, समझिए जरा इसको। मान लीजिए हमने यहां पर एक मिरर बना दिया और ये एक लाइन है जिस पर हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट ओ को रख दिया। इसकी डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू, अगर मिरर देखें तो मैंने मान लीजिए ये पर ये है एक्स और इसकी इमेज क्या बनेगी, इसके जस्ट पीछे ही बनेगी। तो मान लीजिए इमेज यहां पर बन रही, हालांकि हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस भी एक्स ही होगा, लेकिन हम लोग इसको ले लेते हैं वाई। क्लियर? रेफरेंस पॉइंट किसको बनाना है, मिरर को बनाना है, याद रखिएगा। तो क्या यहां पर एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई होगा? अगर मिरर के लेफ्ट में ये डिस्टेंस राइट में जाते हुए आप पॉजिटिव लेते हैं तो इस डिस्टेंस को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, जाहिर सी बात है। अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो इसको नेगेटिव ले लीजिए। भाई मिरर के दोनों साइड की डिस्टेंस है तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ये, जैसे आप कोऑर्डिनेट में लेते हैं ना, ये हो गया, अगर ये ओरिजिन है तो उसके एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ऐसे मैंने यहां पर ले लिया। दोनों को क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी टी। ये है चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये वेलोसिटी है किसका, ऑब्जेक्ट का, इज इक्वल टू ये वेलोसिटी है किसका, इमेज का। तो ये रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी में, कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। जब आप जो है मान लीजिए ऑब्जेक्ट में आप हैं और आप मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मिरर की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट साइड बढ़ रहे हैं, राइट साइड, तो इमेज लेफ्ट साइड बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, नहीं समझ में आया? अगर आप राइट में जा रहे हैं तो इमेज किधर जाएगी, लेफ्ट में, और अगर आप लेफ्ट जा रहे हैं तो ये राइट में, तो आपका अपोजिट चलेगा ना, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन लिया। अब बात आती है कि एक प्रॉब्लम अगर ऐसा है जहां पर मिरर भी मूव कर रहा हूं तो क्या किया जाए, उस कंडीशन में क्या करना है आपको। ये जो हमने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, तो सही मायने में फॉर्मूला क्या होगा, अगर इसकी वेलोसिटी वी ओ है, इसकी वेलोसिटी वी आई है, तो मिरर की वेलोसिटी होगी वी एम। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है इसको सही लिखा जाए तो ये होगा वी ओ एम इज इक्वल टू माइनस वी आई एम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब ये जो रेस्पेक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसे लिखे आते हैं ना, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, रिलेटिव वेलोसिटी, 11th में पढ़ा है ना, थोड़ा तो याद होगा, पूरा याद नहीं, थोड़ा तो याद होगा ना भाई। चलो,
यहां पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जरा। तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट वी एम इज इक्वल टू, ये माइनस यहां पर ओपन कर दो तो वी आई ये हो जाएगा प्लस में वी एम प्लस में। मिरर के वेलोसिटी अगर हम इसको इधर लेके चले जाएं और ये इधर शिफ्ट कर दें तो वी आई प्लस वी ओ प्लस वी आई इज इक्वल टू टू वी एम होगा। शिफ्ट कर दिया इधर, यहां से वी एम कितना होगा मिरर के वेलोसिटी, ये होगा वी ओ प्लस वी आई अपॉन टू। ये फॉर्मूला याद करने वाला है, जब आपको ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी, इमेज के वेलोसिटी और मिरर की वेलोसिटी, इन तीन में से कोई दो वैल्यू गिवन हो, कोई एक फाइंड करना हो, तो इस फॉर्मूले से फाइंड करिए। ये फॉर्मूला याद ना हो तो इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाइए कि ये जो वेलोसिटी है वो मिरर के रिस्पेक्ट में है तो वी ओ एम लिख दीजिए, ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है मिरर के रिस्पेक्ट में है तो वी आई एम लिख दीजिए। फिर क्या करिए, वी ओ माइनस वी एम वी आई माइनस वी एम सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला आता वही से है सिंपल, लेकिन याद करने के लिए ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं आप लोग। क्लियर बात समझ में आ गई, ये वैल्यूज दी होगी और इसमें पुट करके भी। हाँ, लेकिन मैं अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो साइन के साथ रखना पड़ता है ना। चलो अभी पूरा नहीं हुआ, नोट मत करो, साथ ही साथ पैरेलल वाला भी समझ लो। ये तो परपेंडिकुलर था ना। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू मिरर, यानी यहां पर ये रहा मिरर और ये रहा ऑब्जेक्ट, अगर ये डिस्टेंस x है और ये इमेज i है, ये डिस्टेंस y है। हालांकि आप जानते हैं प्लेन मिरर में x इज इक्वल टू y होगा। अब इसमें वेलोसिटी कैसे कह रहा है, पैरेलल टू मिरर, यानी ये किधर जाएगा, ये इधर जा रहा होगा, तो इमेज किधर जाएगा, वो भी ऊपर जाएगा। तो क्या इसमें डायरेक्शन कोई फर्क है, सेम डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये जाएगा उसी डायरेक्शन में ये, मतलब शक्तिमान जिस डायरेक्शन में, गंगाधर भी उसी डायरेक्शन में, तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव लगाने की जरूरत है, नहीं। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे वी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी आई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मिरर भी चलने लगे तो भाई मिरर चलने का मतलब समझो कि जिस टीवी में आप शक्तिमान और गंगाधर के देख रहे थे ना, वो टीवी भी चलने लगा, तो शक्तिमान तो वही रहेगा ना। मिरर चलने का मतलब ये मिरर ऊपर बढ़ता जा रहा, तो क्या कोई फर्क आएगा क्या, नहीं, तब तो बराबर हो जाएगी सब चीज, बात तो वही रहेगी तब भी, जो वेलोसिटी इसकी रहेगी वो वेलोसिटी उसकी बनी रहेगी। मिरर ऊपर जाने का मतलब ये है कि मिरर ऊपर इंक्रीज हो रहा है, बस इसके अलावा क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। आप समझिए, आप इसके बगल में मिरर है और आप ऊपर जा रहे हैं, आपकी इमेज सामने दिख रही है, तो मिरर भी अगर बढ़ता रहे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, आपकी इमेज उतनी बनी रहेगी और आप ही की स्पीड के साथ आपकी इमेज भी चलती रहेगी ऊपर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिफरेंस किस में आएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर वाले में, पैरेलल में तो सेम वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बात समझ में आ गई, चलिए नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल बातें हैं तो ज़्यादा विजुलाइज कर पाएंगे आप। चलिए पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, इसमें क्वेश्चन इज फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। एक मिरर बना दिया यहाँ पर और ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में और ये मिरर भी मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट साइड में। इमेज की आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, ऑप्शन है -5 मीटर पर सेकंड, -7 मीटर पर सेकंड, -9 मीटर पर सेकंड, -3 मीटर सेकंड। चलिए ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए, फौरन असर आ जाएगा। क्यों असर, आइए न्यूमेरिकल देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी और मिरर की वेलोसिटी दोनों गिवन है,
ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा जिसे आप पॉजिटिव और निगेटिव लेके चलेंगे। तो आप हमेशा मान के चलिए कि लेफ्ट टू राइट जो मूव करेगा वो पॉजिटिव है और राइट टू लेफ्ट क्या करेगा वो नेगेटिव। तो यहाँ पर वी ऑब्जेक्ट गिवन है वो है 5 और साथ ही साथ वी मिरर गिवन है वो कितना गिवन है -2 क्योंकि राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा। अब आपके पास रिलेशन है मिरर का वेलोसिटी वी ऑब्जेक्ट वी आई बाई 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 वी एम इज इक्वल टू वी आई वी नॉट वी आई 2 इंटू वी एम की वैल्यू है -2 और वी नॉट 5 प्लस वी आई। यहाँ देखिए ये -4 होगा और इस तरफ आएगा तो -5 -4 प्लस -5 ये हो जाएगा वी आई इज इक्वल टू -9 मीटर पर सेकेंड। इमेज की वेलोसिटी यहाँ पर आ गया ऑप्शन 3। इसमें गलती क्या करते हैं स्टूडेंट ये ध्यान दीजिए, अगर कैलकुलेशन के बिहाफ पर नहीं करके वो सीधे सीधे ऐसे सोचते हैं कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा, समझिएगा 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा, तो इमेज जो होगा इमेज वो भी 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा होगा लेकिन उससे ये 2 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रहा, इसका मतलब 5 प्लस 2, तो वो क्या करते हैं -7 टिक कर देते हैं, गलत हो गया। बात समझना भाई, 5 मीटर पर सेकेंड से राइट जा रहा तो ये क्या कर रहा होगा इमेज, ये 5 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट जा रहा होगा लेकिन उन्होंने देखा कि 2 मीटर पर सेकेंड से ये दूर भी तो भाग रहा है मिरर, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 9 होगी 7 होगी सॉरी, तो गलत हो जाता है। तो आपको फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है, क्लियर। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं और सेम क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ मिरर और यहां पर सर लेकिन यहां -2 किस ले लिया ये एक बार और बता, क्योंकि ये इसका जो डायरेक्शन है मिरर का वो राइट टू लेफ्ट है। अच्छा ये डायरेक्शन आपको लेना जरूरी है, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव लीजिए राइट टू लेफ्ट नेगेटिव लीजिए। अच्छा ठीक, चलिए एक मिरर है और जो कि अभी रेस्ट पर है यानी वी एम इज इक्वल टू 0 और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो भी है 5√2 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एंगल है 45 डिग्री पर। चलिए इमेज की वेलोसिटी फाइंड कीजिए, सॉल्व कर पाएंगे बता दें कहाँ से आ गया। ठीक समझ में आ रहा है, बता दें एक क्वेश्चन पहले ऐसा हिंट कर देने क्या करना है ना, इसके बाद क्वेश्चन देंगे वो तुम लोग करना। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है ध्यान देना, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना इसका कंपोनेंट बनाओ राइट में और लेफ्ट में, कंपोनेंट बनाना सिखाया है राइट में और लेफ्ट में, ये राइट और ये लेफ्ट के बीच के एंगल 90 होना चाहिए, राइट और लेफ्ट के बीच के एंगल 90 यानी ये राइट में ब्रेक हुआ और लेफ्ट में, जिधर थीटा उधर कॉस, तो यहां क्या होगा 5√2 cos 45 और इधर होगा 5√2 sin 45। ये जो बीच में वेलोसिटी थी अब ये खत्म हो गई, हमने ब्रेक कर दिया। cos 45 की वैल्यू 1√2 कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड और ये कितना आएगा 5√2 इंटू ये भी तो वही होता है तो ये भी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। समझो ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ये मिरर के परपेंडिकुलर है और ये वेलोसिटी मिरर के पैरेलल है, क्लियर। अब मिरर की जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है उससे जो इमेज की वेलोसिटी आएगी परपेंडिकुलर में यानी मैं कहूं वी नॉट परपेंडिकुलर वो है 5 मीटर पर सेकेंड और वी नॉट पैरेलल वो है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब तुम दोनों डायरेक्शन में पता कर लो इमेज की डायरेक्ट वैल्यू कैसे, समझो तुम लिखोगे वी आई इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, क्या ये होगा ध्यान दो भाई परपेंडिकुलर वाला, भाई मैंने यहां साइन लगा दिया क्योंकि यहां पैरेलल भी आ गया है, पैरेलल नहीं आता तो मैं साइन नहीं लगाता परपेंडिकुलर, ये तो था एकदम स्टार्ट में पढ़ा था। तो इसका क्या होगा वी नॉट पता है ना, यानी हमारे पास जो वी आई आया इमेज की वेलोसिटी कौन सी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर मतलब कैसा हॉरिजॉन्टल, वो कितना आया माइनस
फाइव, एक तो आ गया। इमेज किधर मूव कर रहा है? इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड से। साथ ही साथ अगर ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज किधर जा रहा होगा? ऊपर या नीचे? ऊपर जा रहा होगा, तो उसमें नेगेटिव लगाने की जरूरत है नहीं। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? वी आई कौन सा पैरेलल, वो होगा 5 मीटर पर सेकंड। क्या इमेज की दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी आ चुकी है? ध्यान दो, ध्यान दीजिए, ये रहा इमेज, इसकी वेलोसिटी इधर भी आ गई और इधर भी आ गई। ये है 5 मीटर पर सेकंड, ये है 5 मीटर पर सेकंड। ये मैंने कैसे लिखा? इसके हिसाब से ऊपर से। ये मैंने कैसे लिखा? इसके हिसाब से, माइनस लगा के, क्योंकि लेफ्ट जाएगा, फिर माइनस है इसलिए मैंने लेफ्ट लिया। क्या इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? -5i कैप + 5j कैप, वेयर आई कैप क्या है? एक्स की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, मतलब ये ठंडी वाला वेक्टर है, जिसको ठंड लग रही है तो टोपी लगा लिया उसने, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। जे क्या है? यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। और के, हाँ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब जिसकी वैल्यू 1, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या देगा? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, लेकिन चूंकि उसके साथ डायरेक्शन है तो वो क्या देगा? डायरेक्शन देगा। बात समझ में आ रही? जैसे होता ना कि बोरे ओढ़ ले, बोरे वगैरह, तो आपको फैशन तो नहीं देगा लेकिन ठंड से बचाएगा, तो वैसे ही यूनिट वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड में चेंज तो नहीं करेगा लेकिन डायरेक्शन देगा आपको। तो ये डायरेक्शन है आई, आई मतलब एक्स वाला, ये वाला, जे मतलब वाई। और माइनस क्यों लगाया? क्योंकि लेफ्ट में जा रहा। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहां माइनस लगा हुआ था। अच्छा, ये हो गया वेलोसिटी। क्या पूछा था? अगर वो स्पीड पूछे तो क्या करेंगे? वेलोसिटी और स्पीड में फर्क होता है, इसमें डायरेक्शन होता है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड होगा, यानी स्पीड जो होगा, अगर मैं स्पीड लिखूं तो क्या करो भाई, इसका मॉड लगा दो। मॉड क्या होता है? आई जे के का कोफिशियंट का स्क्वायर को ऐड करना अंडर रूट के अंदर। 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर क्या आ गया? 25 + 25 = 50। क्या ये ऐसे ही आएगा? देखो भाई, अंदर जाएगा 25 हो जाएगा 50, तो भी बात है 25 + 25 = 50। अंडर रूट बाहर करो ना, करके देखो ना, 5 अंडर ले जाओ, स्क्वायर हो जाएगा 25 × 25 = 50। यानी स्पीड कितना हुआ? 5√2। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नोट करिए, अगला न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ। इसमें आप चलिए, तो जो न्यूमेरिकल मैंने दिया था उसके बाद ये न्यूमेरिकल है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को मूव कराया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में, वो भी 37 डिग्री पर। तो जाहिर सी बात है, इसका अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखेंगे तो वो हो जाएगा 5 cos 37, और cos 37 और sin 37 की वैल्यू कैलकुलेट करना कैसे है? ट्रायंगल से। तो cos 37 की वैल्यू कितनी आएगी? 4/5। तो ये 5 × 4/5 ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। और इधर इसकी वेलोसिटी देखा जाए तो ये हो जाएगा 5 sin 37, है ना? तो ये आ जाएगा 5 × 3/5, ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। मैं इसको यहाँ पर क्लियर लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर। यह है 4 मीटर पर सेकंड, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आ रही है पैरेलल में, वह है 3 मीटर पर सेकंड। अब जो वेलोसिटी पैरेलल में है ऑब्जेक्ट की, वो तो सेम वेलोसिटी इमेज की हो जाएगी पैरेलल में, डायरेक्शन चेंज होगा नहीं। इसका मतलब सीधे सीधे आप कर देंगे इमेज की वेलोसिटी किसमें? पैरेलल में। ये ऊपर जाएगा तो ये भी इमेज ऊपर चली जाएगी। दूसरी बात, जब ये मिरर की तरफ बढ़ेगा और मिरर की वेलोसिटी हमने 0 ले लिया है, तो सिंपल सी बात है कि जब इमेज की वेलोसिटी पैरेलल में होगा वो उसका नेगेटिव होगा 3 मीटर पर सेकंड। हाँ, परपेंडिकुलर, सॉरी। तो इमेज की वेलोसिटी यहां पर
मैंने ये उल्टा कर दिया इसको, इससे फाइंड कर लीजिए v इमेज परपेंडिकुलर वो होगा -4 मीटर पर सेकेंड। तो इमेज के दोनों वेलोसिटी आ गई है, एक परपेंडिकुलर इस तरफ में और एक पैरेलल ऊपर में। तो जब इमेज के वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो जाहिर सी बात है ये एक्स डायरेक्शन में होगा, तो -4 i कैप + 3 j कैप। अब ये तो हो गई इसकी वेलोसिटी, अगर स्पीड की बात की जाए तो मॉड लगा देंगे इसमें, वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, यानी 16 + 9 = 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया स्पीड। ठीक, चलिए इसी क्वेश्चन को बदलते हैं और कुछ चेंज करके आपको बताते हैं। चलिए उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, है ना, ध्यान दीजिए भाई। इधर मिरर है और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वैसे ही मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और एंगल उतना ही है, बस एक चेंज हो गया कि मिरर अब 2 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट मूव करने लगा। फाइंड द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द इमेज। चलिए आइए, इस न्यूमेरिकल में मैंने चेंज किया था इसकी वेलोसिटी, ध्यान दीजिए फिर मैं चेंज करूंगा, अगर इस कॉन्सेप्ट पर अटके हैं तो अगला नहीं कर पाएंगे, है ना, ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में एकदम सेम हमें वैसे ही करना है कि इसको पहले क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगा वो होगा 5 cos 37, यानी 5 × 4/5 × 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो वेलोसिटी है ये है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, कैसी, परपेंडिकुलर, वो है 5। क्लियर, वर्टिकल वेलोसिटी देखेंगे तो कितना होगा, 5 sin 37, यानी 5 × 3/5, यानी 3 4। ठीक है, ये 3 होगा, तो ये पैरेलल वेलोसिटी होगी ऊपर की, यानी ऑब्जेक्ट की पैरेलल वेलोसिटी ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इमेज की वेलोसिटी, यानी इमेज यहां कहीं होगा, अब इमेज की वेलोसिटी पैरेलल ऊपर तो होगी होगी, है ना, पैरेलल में, और वो चेंज नहीं होता, तो इससे क्या करो, पैरेलल वेलोसिटी सीधे लिख दो, वी इमेज की वेलोसिटी पैरेलल में, सेम हो गया। अब हमें इमेज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर में फाइंड करना है, अगर ये मिरर मूव ना करता तो मैं इसको नेगेटिव साइन लगा करके वही वैल्यू सेम ले लेता, लेकिन मिरर मूव कर रहा है और मिरर की जो वेलोसिटी है Vm वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, इसलिए -2 होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है Vm = Vi अपॉन 2। तो यहाँ से Vm के 2 × -2 और V0 4 + Vi, तो Vi की वैल्यू -8 मीटर पर सेकेंड। ये है पैरेलल में, परपेंडिकुलर, ये नाम बड़ा गड़बड़ चल रहा, परपेंडिकुलर और पैरेलल। अच्छा, पी यहाँ मैं लगा सकता था परपेंडिकुलर में, तो पैरेलल में भी पी लगेगा, इसीलिए ये मैं सिंबल बना दे रहा हूँ। अब एक ये हो गया एक्स डायरेक्शन का और ये हो गया हमारे पास वाई डायरेक्शन का, तो जो इमेज की वेलोसिटी वेक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे वो होगा -8 i कैप + 3 j कैप। अगर स्पीड की बात की जाए 64 + 9 = 73, है ना, ये आएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई करके देखो, इधर ही देखो, कहाँ चेंज होगा फिर, अब यहां पर Vm +2 हो जाएगा, ये +2 हुआ तो यहां पर प्लस में रखेंगे तो ये 4 और Vi 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर में क्या होगी, 0 होगी। अब इमेज किधर जाता है वो दिखेगा सिर्फ, अरे ऊपर जाता तो दिखेगा ना, ऊपर तो जाएगा। अब आप समझिए, एक जादू है यहां पर, जादू क्या है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा था एंगल में, ये ऑब्जेक्ट अगर एंगल में चले और मिरर दूर जाता दिखे तो इमेज किधर जाएगी, सिर्फ ऊपर जाएगी,
इमेज 37 डिग्री के एंगल पे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, वो सिर्फ ऊपर जाएगा पैरेलल। तो ये एक जादू दिखा सकते हैं आप लोग, स्पीड और वेलोसिटी दो तो सेम होगी फिर, है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है वहां पर। क्या हुआ मतलब जादू कर, देखिए ये न्यूमेरिकल देखने में सिर्फ टफ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है, है ना। हाँ देखिए, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर v, ऑब्जेक्ट क्या होगा परपेंडिकुलर, डायरेक्ट करेंगे 2√2 cos 45 यानी √2 × 1/√2 कैंसिल होगा, ये आएगा 2। इधर इसकी वेलोसिटी होगी v ऑब्जेक्ट पैरेलल, ये भी 2 आएगा क्योंकि 2√2 sin 45। ध्यान दो भाई, तो ये दोनों वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब मिरर की भी वेलोसिटी है, मिरर की वेलोसिटी इधर जो आएगी vm, कौन सा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये कितना होगा, ये है 5 cos 37, cos 37 4/5 यानी ये आएगा 4। और मिरर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में vm क्या होगा पैरेलल, ये हो जाएगा 3 क्योंकि 5 sin 37। अब बात करते हैं सबसे पहले जो पैरेलल वाली चीज है उसको सॉल्व कर लो। मैंने आपको सिखाया था कि पैरेलल में मिरर ऊपर जाए नीचे जाए इससे इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की पैरेलल में होगी वही इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी, यानी यहां पर जो इमेज की वेलोसिटी होगी पैरेलल में वही वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की पैरेलल में, और वही वेलोसिटी है 2। इसका इस वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं मिरर से। तो इमेज की एक वेलोसिटी तो ऊपर वाली आई गई जे डायरेक्शन में, क्लियर। अब आपको इमेज की हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी यानी परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी को देखना है, तो वो वेलोसिटी अगर मिरर मूव ना करे तो जो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होता है बस उसका नेगेटिव कर दीजिए, यही होता है। लेकिन अगर मिरर मूव कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पर जो मिरर मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है राइट में, यानी पॉजिटिव होगा। अब यहां पर आप मिरर का फॉर्मूला लगा देंगे, Vm इज इक्वल टू Vi प्लस Vi अपॉन 2। यहां Vm की वेलोसिटी है 4, तो ये हो गया 2 × 4 वी नॉट हॉरिजॉन्टल में 2 प्लस Vi, तो यहां से Vi आ गया 6, ठीक है। और ये जो Vi है वो क्या है, ये है परपेंडिकुलर वाला, तो इमेज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर में भी आ गई, इमेज की वेलोसिटी पैरेलल में भी आ गई। अब आप वेक्टर में लिख दीजिए v इमेज परपेंडिकुलर यानी x डायरेक्शन, वो होगा 6 i कैप प्लस 2 j कैप। अगर स्पीड पूछा जाएगा इसमें तो आप 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 प्लस 4 40, ये आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल में एक चेंज क्या कर सकते थे, इस डायरेक्शन को 5 m/s को इधर कर देते इधर, तो क्या पैरेलल वेलोसिटी में कोई चेंज होता, तब भी नहीं चेंज। चेंज कहाँ होता है, यहाँ वाले पर वी एम कितना आता भाई, माइनस में लगता तो 2 × −4 आता फिर, तो यहाँ क्या वैल्यू आती, −4 माने −8 आता और 2 इधर जाकर के −6 आता, हाँ −10 आता, तो क्या आता −10, तो ये वेलोसिटी फिर बदल जाती। एक और चेंज क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन ना बदल के इसका डायरेक्शन बदल दें, इधर ना लगा के इधर लगा दें। तो अब आप क्या लेंगे, जो वी नॉट यहाँ रखेंगे वो क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे, याद रहेगा ना, क्योंकि ये अगर कॉम्पोनेंट इधर ना होकर के इस तरफ हो जाए तो इसका कॉम्पोनेंट राइट में और लेफ्ट में बनेगा, तो जो लेफ्ट में इधर बनेगा वी नॉट वो यहाँ इस फॉर्मूले में माइनस में रखेंगे आप। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब एकदम, अब क्लियर है पूरा एकदम, कर लेंगे, घर जाकर के दोबारा से देख लीजिएगा इसे ना, नेक्स्ट टर्न पर इससे आगे पढ़ाएंगे।